विश्वदर्पणदृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिमायया भूतं यथा निद्रया यस्याक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु मो वल्लभी वल्लभं नः। तत्ते दुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् बहुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भा। पत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणा, जब देखो तब, जहां देखो तहां, जो देखो उसमें भगवान की कृपा बरस रही है, कृपा ही कृपा है। जब तब, जहां तहां, जो सो, बस पहचानने भर की देर है। ये जो भगवान की कृपा नहीं मालूम पड़ती, इसमें पहचान की कमी है, कृपा की कमी नहीं है। एक आदमी यात्रा कर रहा था तो देखा बड़े बड़े खरबूजे तरबूज लगे हुए थे हो पौधे में। आगे गया देखा काशी फल भी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा फल। बोले कि देखो ना, ईश्वर की क्या भूल है, जरा जरा सी तो नाल, जरा जरा सी डांटी और उसमें इतने इतने बड़े फल। आगे गया तो आम का पेड़ मिला, उसमें देखा इतना बड़ा आम लगा हुआ। बोले ये दूसरी भूल, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा और जरा सा। अरे चाहिए था कि खरबूजे में, तरबूज में, काशी फल में आम जैसा फल होता और ये बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े फल होते। छाया बड़ी थी, सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लें। जो सोया महाराज आम के पेड़ के नीचे, तो पट से एक आम का फल पका पका छाती पर गिर पड़ा। करे नहीं नहीं, ईश्वर की भूल नहीं, भूल हमारी थी। अगर इसमें तरबूज, खरबूजा या काशी फल फला होता और वो हमारे ऊपर गिरता तब तो हम मर ही जाते। ये तो भगवान ने आम का फल बनाया कि इसके गिरने पर भी हम नहीं मरे, बच गए। बोला राजा का अंगूठा कट गया, नई तलवार देख रहा। मंत्री ने कहा भगवान जो करते हैं सो अच्छा। तो राजा ने कहा कि हमारा तो अंगूठा कट गया और तुम कहते हो कि भगवान जो करता है तो अच्छा, निकल जाओ हमारे यहाँ से, जेल में डालते हैं। तो मंत्री ने फिर कहा भगवान जो करे सो अच्छा। थोड़े दिनों के बाद राजा का हाथ अच्छा हो गया, कहीं जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया, ले जाके बलिदान की तैयारी की। तो पुरोहित ने बताया कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, छोड़ दिया। अब राजा ने कहा तेरे ईश्वर जो करता है सो अच्छा, हमारा अंगूठा कटा सो अच्छा। सिर बच गया, अंगूठा कटा, सिर बच गया। जेल में गया, मंत्री जी को छुड़वाया। बोला मंत्री जी, मेरा अंगूठा कट गया सो तो अच्छा, पर तुम जो जेल में इतने दिन पड़े रहे इसमें भगवान की क्या कृपा है।
बोले महाराज आप तो अंगूठा कट जाने से छूट जाते और हमें तो पकड़ के वो जरूर बलि दे देते, तो चलो जेल में डाल के हमको बचाया, अंगूठा काट के तुमको बचाया। सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलाय, ये संस्कृत में आभाणक बोलते हैं, कहावत लोकोक्ति। सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगला, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो गुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। कई बार ऐसा होता है ट्रेन पर जाते हैं बैठने के लिए, गाड़ी नहीं मिलती, हवाई जहाज नहीं मिलता है, ट्रेन प्लेन, बाद में मालूम पड़ता है कि उसी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमको जगह नहीं मिली। ऐसी हमको बहुत सारी घटना मालूम। हमारे वृंदावन के साईं अपने 150 सत्संगियों के साथ लाहौर से कराची जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत छोटे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, साईं ने कहा ईश्वर का हुक्म है सब लोग उतर जा, छोड़ दो गाड़ी सब लोग, ईश्वर का हुक्म है कि उतर जाओ गाड़ी पर। 3 मिनट तो गाड़ी ठहरती थी वहां, अपना सब सामान लेके उतरे। वहां हलवाई की दुकान नहीं थी, गांव नहीं था, बोले नहीं आज खाना पीना कुछ नहीं, पेड़ के नीचे बैठो, कुएं का पानी खींच के पियो, सत्संग करो, ईश्वर का हुक्म है। और थोड़ी देर के बाद खबर आई कि अगले स्टेशन जाते जाते वो गाड़ी बिल्कुल पुल टूट गया और नदी में गिर गई। हो ये बात आपको सुनाते हैं, अभी वेदांत के प्रसंग में ये बात आपको नहीं सुनाते। तत्ते नुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजानयेवात्मकृतं विपाकम्। पहचानो भगवान की कृपा को, पहचानो तुम्हें बोलने के लिए मुंह दिया है, स्वाद लेने के लिए जीभ दी है, देखने के लिए आंख दी है, ये क्या अनुकंपा नहीं है? सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए कान, प्यार करने के दिल, विचार करने के लिए बुद्धि, चलने के लिए पांव, काम करने के लिए हाथ, एक एक अंग तो उसके अनुकंपा के रंग में, उसकी कृपा के रंग में रंगे हुए हैं। एक एक अंग अंग प्रत्यंग उसके अनुग्रह के रंग में रंगे हुए हैं। जरा अपने को डुबाओ उसमें, सब मालूम पड़ेगा। दत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो। एक दिन एक आदमी को रास्ते में चलते चलते कांटा कर गया, वो ईश्वर को गाली देने लगा, वो कांटा क्यों गड़ा दी। एक महात्मा के पास गया, महात्मा ने बताया कि बाबा आज तेरे गले पर तलवार पड़ने वाली थी, ईश्वर ने कृपा की, कांटे से ही तुझे मुक्त कर दिया। प्रत्येक क्रिया में चाल नहीं आता है ये भी कृपा है, तूफान नहीं आता है ये भी कृपा है, मनुष्य अपने आयु पर्यंत जीता है ये भी कृपा है। अच्छा अब वेदांत की बात भी सुना देते हैं। वेदांत दर्शन की रीति से भी ये सगुण ब्रह्म का अनुग्रह ही है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा की रीति से ये कर्म का फल है, पाप और पुण्य करने से जो अपूर्व उत्पन्न हुआ है, एक अपूर्व नाम की चीज, वो ईश्वर का अनुग्रह नहीं मानते, वो एक अपूर्व मानते हैं। कर्म से एक अपूर्व उत्पन्न होता है और वो समय पर फल के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि कर्म पैदा हुआ, बना और नष्ट हो गया, और फल मिला बरसों बाद।
तो जो कर्म हुआ और नष्ट हो गया और फल होगा बरसों बाद, तो कर्म के साथ फल का संबंध कैसे जुड़ेगा? तो इसके लिए पूर्व मीमांसा में एक अपूर्व नाम की वस्तु स्वीकार की हुई है, वही कर्म और फल के बीच में कड़ी का काम करती है। उत्तर मीमांसा में इस अपूर्व नाम के पदार्थ को मानते ही नहीं, फलमतः उपपत्ते है। मनुष्य जो कर्म करता है उसको ईश्वर जानता है और ईश्वर उसके पाप पुण्य के अनुसार फल देता है। जब ईश्वर के फलदातृत्व से ही सुख दुख की उपपत्ति, कर्म फल की उपपत्ति हो जाती है, तो उसमें अपूर्व नामक एक जड़ पदार्थ को मानने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। ये लो, ये पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का भेद बता दिया। माने ईश्वर ही कर्म का फल देता है। वेदांत दर्द बहुत है, लेकिन एक तो वेद को सब स्वतः प्रमाण मानते हैं, सब जितने वेदांत दर्शन के मानने वाले हैं, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, शैव शाक्त गणपत्य गोविंदाचार्य स्वामी नारायण भास्कराचार्य, सब मानते हैं कि वेद अपौरुषेय है और स्वतः प्रमाण है, सब मानते हैं। और देहातिरिक्त आत्मा है इस बात को सब मानते हैं, देह से अलग आत्मा है इस बात को सब मानते हैं, और सगुण ब्रह्म को भी सब मानते हैं, सब वेदांती। अद्वैत वेदांतियों में विशेषता इतनी है कि वो आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान के पहले तो सगुण ब्रह्म को व्यावहारिक सत्य मानते हैं, और आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो जाने पर वो प्रपंच को मिथ्या मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ प्रपंच के कर्ता अथवा अभिन्न निमित्तोपादान कारण में भी यथार्थता नहीं रहती, मिथ्या हो जाता है। ये सब वेदांत शास्त्र की बात है। तो नारायण सत्यनुकंपाम, आओ भगवान की कृपा देखो। भोग में भी जोग है और रोग में भी अनुग्रह है, मृत्यु में भी नवीन वस्त्र परिग्रह है, दुख में सुख का बीज है, सुख में दुख का बीज है। तो प्रत्येक स्थान पर भगवान की कृपा, भगवान के अनुग्रह को देखो। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपने प्यारे का बनाया हुआ भोजन है विपाक। विपाक माने पाक तो जानते हैं ना आप, रसोई पाक। और तो कई लोग किसी दिन रसोई बनाते हैं तो खोद खोद के पूछते हैं नमक कैसा है, उनका मतलब होता है कि जरा तारीफ करो कि हमने बहुत बढ़िया बनाया है। अरे बाबा, बढ़िया बनाया है कि घटिया बनाया है इससे क्या मतलब है, प्रेम की दुनिया ही दूसरी है, उसमें बढ़िया घटिया का सवाल नहीं। हमारे एक पंडित जी थे, आप लोगों ने जो वृंदावन जाते थे उन्होंने देखा है, अब नहीं है, उनका शरीर 2 बरस हुआ पूरा। तो रात को हमारे यहाँ से कोई उनको दूध लेके जाता तो हाथ में लेते, बोले ठंडा है, गरम करो, तो फिर गरम करते हैं, बोलते इतना गरम, पशु हो कम वक्त, तुम लोगों को दूध गरम करना नहीं आता, बड़े मस्ताने से हो। अब किसी ने कह दिया कि ये दादा ने अपने हाथ से गरम करके भेजा है। अच्छा, दादा ने भेजा है, अल्लाह अल्लाह, अब न गरम न ठंडा हो तो दादा का भेजा हुआ है। देखो एक बात बता, वो कहते थे कि हमको चीज नहीं चाहिए, हमको खिलाने वाला चाहिए, ऐसे बोलते थे। क्या पिला रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमको तो साकी चाहिए, उसकी नजर से नजर मिली रहे। तो ये कर्मों का फल देने वाला जो है ना,
ये कर्म फल का जो रस देने वाला है, कर्म फल का जो मधु पिलाने वाला है, वो साकी हमारा ईश्वर है। दिल तो क्या पूछना, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। वैसे व्यवहार का सार जो है वो है मनुष्य के जीवन में दूसरों की सुविधा देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाए। अच्छा, कथा हो रही हो सत्संग, और सुनने वाला का मन भी एकाग्र और बोलने वाले का मन भी एकाग्र, और उसमें कोई चंदन फूल लेके पहुंच गया तो हम उसको समझते हैं कि इसको जरा भी व्यवहार नहीं आता, ये अपने घर में बिल्कुल फूहड़ है। क्यों? क्यों उसको अपने पुण्य के लिए चंदन और फूल अर्पण करने में है ना, वक्ता और श्रोता के रस में व्यवधान डालना, ये शिष्टाचार भी नहीं है और ये उत्तम व्यवहार भी नहीं है। ये व्यवहार का सार क्या है? केवल अपने मन की सनक में नहीं डूब जाना, औरों की सुविधा का भी ध्यान रखना, बैठने में, उठने में, बोलने में, खाने में, पीने में, नहीं तो तुम व्यवहार के बिल्कुल अयोग्य हो और सफलता भी नहीं मिलेगी। घर में बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी, घर में रोज चार बात सुननी पड़ेगी और रोनी पड़ेगी, क्योंकि जो नजर चाहिए सो तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो एक शिष्टाचार भी होता है। बोला एक बार श्री हरि बाबा जी महाराज को किसी ने आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ भोजन करो, वैसे वो नहीं जाते हैं, अब नहीं जाते हैं, तो चले गए उसके घर। अब वो किसी कारण से उसकी स्त्री अलग हो गई होगी, कोई बात हुई होगी, पर वो तो आमंत्रित कर चुका था, तो खुद अपने हाथ से भोजन बनाया उसने, तो है ना, प्रेम तो था, अपने हाथ से बनाया, पर बेचारे को मालूम नहीं था कि घी कहाँ है, नमक कहाँ है, पहचान भी नहीं थी, क्योंकि भोजन तो रोज स्त्री बनाती थी। तो उसने घी की जगह पर अरंडी के तेल का प्रयोग कर दिया, साग बना दिए। मैं एक जगह गया हो तो भले मानुष ने भूल से नमक की जगह पर फिटकरी डाल दी। अब बाबा ने देखा, इतने प्रेम से तो इसने बुलाया और बनाया, ये नहीं देखते हैं कि इसमें अरंडी का तेल है, ये देखते हैं कि देखो इसका कितना प्रेम है, इसने अपने हाथ से बनाया। पर जब इसको मालूम पड़ेगा कि मैंने घी की जगह अरंडी का तेल डाला है तो कितना दुखी होगा, ये ख्याल है। बोले कह रहे भाई साग तो तूने बहुत बढ़िया बनाया। अच्छा महाराज आपको पसंद आया? कहा खूब पसंद आया। कितना बनाया है? कहा महाराज बहुत है। करे लाओ लाओ देखे तो सब मंगवा लिया। अब रोटी तो खाई कम और साग समूचा खा गए। उसको पता ही नहीं चला कि हमने अरंडी का तेल डाला। वो खुश हुआ कि बाबा को हमारा बनाया हुआ साग इतना पसंद आया। अपनी पत्नी को कहे कि देखो ना, तुम समझती थी कि हमको रोटी बनाने ही नहीं आता, बाबा को कितना पसंद था। अब बाबा जब गए आश्रम पर और लगने लगे दस है ना, बारंबार शौचालय में जाए, तब सेवकों ने पूछा कि महाराज क्या हुआ? बोले कि चुप चुप, किसी को बताना नहीं, वो साग अरंडी के तेल में बना हुआ था। कि चलो आज जुलाब, कभी 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 लेते हैं जुलाब, आज जुलाब ले लिया, बढ़िया है। तो जो प्रेम से काम करता है ना, वो नमक ज्यादा है कि कम ये नहीं देखा जाता, मिर्च ज्यादा है कि कम ये नहीं देखा जाता, अपने प्रेमी के प्रेम का तिरस्कार नहीं किया जाता। ईश्वर जो कुछ तुम्हें देता है उसका तिरस्कार मत करो, वो तुम्हारा प्रेमी है, उसके प्रत्येक दान में, उसकी प्रत्येक क्रिया में, उसकी प्रत्येक चेष्टा में, वो तुम्हें पांव से खोद देता है तो भी, वो हाथ से ऐंठ देता है तो भी, वो दांत से काट लेता है तो भी, वो पटक देता है तो भी, उसका प्यार है उसमें। अच्छा,
ईश्वर की बात छोड़ दें। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, ईश्वर का किया हुआ नहीं है, अपने ही किया हुआ है। ये आत्मा माने परमात्मा भी होता है और आत्मा माने स्वयं भी होता है। आत्मा ही वह हरि उच्यते, आत्मा का ही नाम हरि है और हरि का ही नाम आत्मा है। अच्छा लो, अपने हाथ से रसोई बनावे और नमक ज्यादा हो जाए तो गाली किसको देंगे। अपनी बनाई हुई रोटी इतनी प्यारी लगती है, यदि ईश्वर की कृपा से आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आवे आया हो, पहले पहल भात बनाने लगे तो गीला हो जाए, माड़ निकालना नहीं आवे उसमें, बोले आखिर दाल से तो सानते ही है ना, चलो गीले ही खाएंगे, बाहर का बहुत बढ़िया है। कितनी बार ऐसा हुआ हो, कितनी बार, एक दो बार नहीं, रोटी बनाने लगे आटे में पानी ज्यादा पड़ गया, बोले चलो अब डालो नमक और पका लो इसको ऐसे ही अपने हाथ से ऐसे ही। अब उलाहना किसको दें, जब अपने ही कर्म का फल है तो उलाहना किसको। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपनी भूल तो खुशी से अपने सिर पर धारण करनी चाहिए। अब तीसरी बात देखो, ये आपका जीवन बिल्कुल निर्विरोध रहेगा। जीवन में जहाँ चिंता है वहाँ दुख है, जहाँ भूत लगा है वहाँ दुख है, जहाँ भविष्य का भय लगा है वहाँ दुख है, जहाँ आप ये चाहते हैं कि हमारे ही मन का सब कुछ हो वहाँ दुख है। क्या ईश्वर ने ठेका ले रखा है कि तुम्हारे मन का करेगा, तुम्हारे दुश्मन के मन का कभी होगा ही नहीं, माने तुम जिससे दुश्मनी करते हो ईश्वर भी उससे दुश्मनी करे, ऐसा तुम्हारा ख्याल है? तुम ईश्वर को क्या समझते हो, अपना नौकर, कि हम जिसको डंडा मारे उसको हमारा नौकर भी डंडा मारे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसको तुम डंडा मारना चाहते हो ईश्वर उससे भी प्यार करता हो, कैसे डंडा मारेगा उसको। तो दुखी वही होता है जो अपने मन को प्रधानता देता है। जो ईश्वर को प्रधानता देता है उसके जीवन में दुख नहीं होता है। हृद्वाग बपुर्भिर् विदधन नमस्ते, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। हृद्वाग बपुर्भिर् विदधत् नमस्ते। हाँ, तो सारे वेदांतों द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत शाक्ताद्वैत गणपत्याद्वैत सौराद्वैत, सब के सब वेदांत ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो देह से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से परे, इसमें किसी का मतभेद नहीं है। बोला जो वेदांत दर्शन का अनुयायी है, श्री रामानुजाचार्य, श्री कंठाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, भास्कराचार्य, श्री कराचार्य, गोविंदाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, स्वामी नारायण, जितने भाष्य उपभाष्य टीका वृत्ति योजना टिप्पण वेदांत दर्शन पर प्राप्त होते हैं, सब की ओर से मैं निर्द्वंद ये बात कहता हूँ, सबके मत में, सबके मत में देहादी से परे है आत्मा। किसी के मत में भी देह इंद्रिय मन का नाम आत्मा नहीं है, बिल्कुल निर्द्वंद। ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप देखो अपना जरा जीवन, हृद्वाग बपुर्भिर् विदधन् नमस्ते, भगवान को नमस्ते करो, विदधन् नमस्ते। सही, आर्य समाज लोग तो कहते हैं कि प्रताप भाई नमस्ते। अच्छा, ऐसे बोलता है। तो फिर क्या बोलते हैं कि जरा
मोहन भाई से हमारा नमस्ते कह देना जी। अब कहने की चीज तो उसमें नमा है, ते तो कहने की चीज नहीं है ना। नमस्ते में दो पद है ना, एक नमा एक ते, तो हमारी नमस्ते कह देना। अबे नमस्ते कह देना क्या हुआ, हमारा नमस्कार कह देना, नमो नमक कह देना। नमस्ते का अर्थ होता है तुमको नमस्कार, तुम्हारे लिए नमस्कार। ते तो तुभ्यम, ते माने तुभ्यम, तुमको। तो ईश्वर को जरा नमस्ते भेजो। कैसे भेजो, हृदय बाग बपूर बपूर भी हृदय से भेजो। ये जो तुम्हारा ख्याल है कि हमारा मन बिल्कुल हमारे बस में है या हम बस में रख लेंगे, ये दिलड़ी जो है ना, दिलड़ी सिंधी लोग बोलते हैं, दिलड़ी दिल को बोलते हैं, दिलड़ी गुल को गुलड़ी बोलते हैं। कोमल अर्थ में ड़ी प्रत्यय होता है। ये जो दिलड़ी है ये इतनी शोख लड़की है कि ये माँ बाप के कहे अनुसार नहीं चलती। आप अपने बेटे को क्या दोष लगाते हो, अपनी बेटी को क्या दोष लगाते हो? क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे कहे अनुसार चलता है या नहीं चलता है? इससे हृदय हरेदा ते तुभ्यम नमः विददत। अपना जीवन कैसे व्यतीत करना, हृदय से तुमको नमस्कार करते हुए हृदय को भगवान के सामने झुका दो। हे प्रभु, हमने तो बहुत दिन तक ये चाहा कि इसमें अधर्म के भाव उदय न हो, इसमें काम ना आवे, क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह ना आवे। बहुत अभ्यास किया यम नियम का, परंतु ये हृदय हमारे सदाए तो सदता है। प्रभु हमने बहुत कोशिश की कि ये कृष्णाकार रहे, रामाकार रहे, शिवाकार रहे, अपने इष्ट देव के चिंतन में लगे, परंतु मैं कहता हूं कि विनायक का ध्यान कर तो ये बानर का ध्यान करने लगता है। विनायकम प्रकुर्बाणो रचयामास बानरम। अरे हमने कहा कि कृष्ण का ध्यान करो तो ये कुबजा के घर में गया और कुबजा के घर में से एक विषया का स्मरण करके उसके घर में चला गया। हमने कहा कृष्ण का ध्यान करो तो ये काले भूत का ध्यान करने लगा। तो हमने धर्म की भावना भर के देख लिया, हमने इसको इष्टाकार बनाते बनाते हार मान ली इस चंचल को। अचल करने के लिए आसन किया, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, परंतु ये वश में न हुआ। अब हृदय ते तुभ्यम नमः विदधत, ये हृदय हम तुम्हारे चरणों में निछावर करते हैं। रहे इसके जन्म जन्म के संस्कार और आवे इसमें जो कुछ आता है सो। घोड़ा बेच दिया। हृदय नमः विदधत, नमः विदधत, न मैं इति विदधत, ये दिल मेरा नहीं है तेरा है। ये वैष्णव लोगों के का जो पंचरात्रागम है, पंचरात्रागम बोलते हैं, उसमें एक अहिर्बुद्ध ने संहिता है, अहिर्बुद्ध ने संहिता, उसमें नमः पद का अर्थ लिखा है न मैं इति नमः, न मम नमः इत्युच्यते। जैसे इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा न मम आ। ये हृदय तुम्हारा है प्रभु, मेरा नहीं है।
क्यों? कब मेरे कहे न तो ये काम क्रोध लोभ छोड़े, न तो मेरे कहे निर्वासन होए, न तो मेरे कहे चंचलता त्याग, न तो मेरे कहे धर्म करे, न उपासना करे, न समाधि लगावे। ये तो मेरा कहा मानते ही नहीं। तब तब ये बात है, हृदय नमः विदधत, हृदय से नमस्कार करो। नमस्कार करो माने ये हृदय मेरा नहीं है, तेरा है। ये हृदय भवन प्रभु तेरा, अर्पण कर दो। इस प्रकार अपने हृदय से अपना ममत्व हटा करके उस पर भगवान का ममत्व स्थापित कर दो। ये नमः विदधत हुआ। एक तो होता है त्याग और एक होता है दान। स्व स्वत्व संकोच त्याग, अपने स्वत्व का संकोच कर लेना, इसका नाम त्याग है। मैंने छोड़ दिया, ये मेरा नहीं है, इसका नाम त्याग हुआ। और स्व स्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वापादनम दानम, अपना स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व उस पर बनाना, इसका नाम दान है। जैसे बैल विषोत्सर करते हैं ना, बैल छोड़ते हैं, सांड छोड़ते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, उसको किसी को देते नहीं है, स्वतंत्र विचरण करे, तो वो तो वृषत्याग होता है, वृषोत्सर्ग होता है। लेकिन गोदान करते हैं, गोदान करते हैं तो ये गाय अब हमारी नहीं रही, अमुक गोत्र आयो, अमुक शर्मणे ब्राह्मण आयो, तो भीम इमाम गाम सरत्नाम स्वर्ण श्रृंगी और रजत खुरा, चांदी का खुर, सोने की सिंह, आओ वो सुनाला वस्त्र उड़ा करके ये गाय मैं अमुक गोत्र अमुक शर्मा ब्राह्मण को दान करता हूँ। मैंने आज तक मेरी थी, अब इस ब्राह्मण की हो गई, इसका नाम दान हुआ। कन्या का भी दान करते हैं, इमाम लक्ष्मी रूपिणी कन्याम श्रीधर रूपिणे वराय दुभ्यम हम संप्रदे, ये दान हुआ। तो हृदय नमः विदधा, हृदय के बारे में सांख्य लोग कहते हैं कि हृदय का त्याग कर दो, ये तो प्रकृति का है, प्रकृति का विकार है, तुम्हारा है ही नहीं, तुमने झूठ मूठ अपना माना, ये दूसरे की चीज पर तुमने अपना स्वत्व कायम किया, विवेक पूर्वक छोड़ दो इसको, ये जाए प्रकृति में। भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, ये छोड़ने का नहीं है, ये तो ईश्वर को देनी है। रत्ना करत तव गृहम गृहिणी च पद्मा, इंद्रे यमस्ति भवते जगदीश्वरायो, राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यम दत्तम मया निज मनस्तदिदं गृहाणो। कहे प्रभु मैं तुमको क्या दूं, रत्नाकर में तो रहते हो, रत्नों का खजाना करो, रत्नों के खजाने में तो रहते हो, वो तो तुम्हारा घर है, रत्नाकर सौग्रियम, और गृहिणी जो पद्मा, और लक्ष्मी तुम्हारी श्रीमती है, पत्नी है, और जगत के आप स्वामी हैं, किंदे यमस्ति भवते, आपको क्या दें? बोले ठीक है, राधा रानी ने आपका मन चुरा लिया है, मनसोक्ति दैन्यम, आपके पास मन नहीं है, आप मन के गरीब हैं, गरीबी है आपके पास, रत्नों की गरीबी नहीं है, उनका तो मकान है, लक्ष्मी की गरीबी नहीं है, वो तो पत्नी है, भूमि खंड की ईश्वर की बादशाहत की हुकूमत की गरीबी नहीं है, तुम तो जगदीश्वर हो, परंतु राधा रानी ने तुम्हारा मन ले लिया, तो तुम मन के गरीब हो, दिल नहीं है तुम्हारे पास। चलो हम अपना दिल देते हैं, अपने दिल की जगह पर इसको जोड़ लो, अब ये मेरा नहीं रहे, तेरा रहे। दत्तम मया निजमनस तदिदम गृहाण, स्वीकार करो, मैं अपना मन देता। ये हृदय नमो विदधत,
जैसे घोड़ा बेच दिया, बस ऐसे दिल से मधुर मधुर हरस हरस बाघ बपुर भेल बोले हृदय से भावना करो भावना करो भावना करो। अरे भावना करते करते थक गए, भावना करते करते जब कथाई सुनते सुनते कोई कोई नमाज पढ़ने लग जाते हैं। आप जानते हैं कि नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कथा सुनते सुनते कथा का काल नहीं रहता, वो तो मस्जिद में पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उन पर भी खुदा खुश होता है। बोला बाघ बपुर भी भावना करो। बाबा हम अपना रख के कब तक भावना करेंगे, ले लो तो चाहे भावना करवाओ इससे और चाहे निर्भावना कर दो, तुम्हारे हाथ में दे दिया। वाचा नमो विभक्त, वाणी से भगवान को नमस्कार करो। आप जानते हैं भीड़ को हिलाने वाला कौन है, अरे वो भीतर बैठ करके ये बात को भगवान ने पसंद किया। कीर्ति शरीर वाक से नारी नाम, तो बात तो भगवान को बहुत पसंद पर हमेशा बोलती हुई बात पसंद नहीं है, कभी मौन पसंद है कभी बोलती हुई पसंद है। कोई कोई महाराज ऐसी जैसे मशीन परापर बोलती है ना, वैसे कोई कोई श्रीमती जी बोलती रहते हैं तो घर के पुरुष कह देते हैं कि जरा अपना व्याख्यान बंद करो, हमारा भी तो कुछ सुनो। तो वाचा नमो विधक, नमो विधक का वाणी को नमित कर दो। न कस्या उन्नत भगवती वरती, भगवान के सामने अपना सिर झुकाना, भगवान के सामने अपने को झुकाना, सबसे ऊपर उठाना है। नकस्या उन्नति सबसे उन्नति, नकस्या उन्नति भगवती सर्वस्वी। जरा वाणी की बात है, वाणी से बोले भाई भगवान का नाम जपो, मूत्र का पाठ करो, बोले बाबा कुछ भी करो, ये भटक जाती है, वाणी भटक जाती है। प्राकृतिक जन गुण गाना फिर गुण गिरा लाज सचाना, संसारी लोगों का गुणगान करने पर सरस्वती अपना सिर टूट करके सत्कारे लगती है कि मैं इसके शरीर में क्यों आई। इन्हें प्राकृतिक जन गुण गाना फिर गुण गिरा लाज सचाना, दोष गुण का कीर्तन करने के लिए ये वाणी नहीं मिली है। वाचा नमो विधि, तो बाबा ये वाणी नहीं हमारी नहीं है तुम्हारी है। कृत्या नया बात करता हताते, ज्ञाने न चेत परता हताते, प्रज्ञा त्रया व्यापकता हताते, समस्त संभो त्रिविधा पराधा। व्यास जी ने कहा कि शंकर जी मैंने आपके तीन अपराध किए हैं, माफ करना। बोले व्यास जी हमको तो याद नहीं आता है कि तुमने हमारा कोई अपराध किया, क्या अपराध। बोले मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए यात्रा करने गया, कोई अपराध है, परिक्रमा करी यात्रा करी, इसमें क्या अपराध है। तो इसमें अपराध ये है कि तुम यहाँ नहीं वहाँ हो, ऐसा माना तो अपराध हो गया ना तुम्हारा। क्या तुम यहाँ नहीं हो कि मैं तुमको वहाँ ढूंढने गया, और जब मैंने तुम्हारी परिक्रमा की तो ये कहा कि तुम बस इतनी दूर में हो इससे बाहर नहीं हो, तो ये भी तो अपराध हुआ ना। त्वदीया त्रया व्यापकता हताते, कृत्या नया बात करता हताते, और जब मैं तुम्हारी स्तुति करने लगा तब तुम बांग मनसा देकर हो, वाणी की पहुंच तुम्हारे पास कहाँ है, और जो वाणी के परे है उसको वाणी के घेरे में ला करके
मैंने अपराध किया। ज्ञानेन चेतः परतः हताते, ज्ञान करने बैठ गया, ये शिव है, अयम शिव। बोले सर, जो तुम्हारे ध्यान में आ गया उतने शिव है, शिव को तुमने छोटा बनाया। ध्यान करके शिव को छोटा बनाया, बोल करके शिव को वाणी का विषय बनाया, यात्रा करके शिव को एक देशी बनाया, बोले हुआ अपराध। तो इसका अर्थ क्या हुआ आपको सुनाएं? तो इसका अर्थ हुआ कि शरीर को जरा स्थिर करो और वाणी को बंद करो और चित्त में कोई मूर्ति मत लाओ, देखो तुम क्यों में स्थित हो। इसका अर्थ ये हुआ, ये बोलने का ढंग है। ये महात्मा लोग जो है ना, बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, कैसे थी चुप हो जाओ, बोलो मत तो ठीक है। अच्छा तो मन से कुछ ध्यान मत करो, जरा देखो तो शांति से, जो शिव तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो लिंग मूर्ति देखो अपने आप ही ज्योतिर्लिंग तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। वाणी से नमस्कार, कपूर भी शरीर से जितने कर्म करोगे, शरीर मुझे सुख पहुंचाने के लिए नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये शरीर ईश्वर की सेवा के लिए बना हुआ है। वम अमृतम पुष्णा थे, वैसे बपु शब्द का अर्थ है बपन से इसका संबंध है। बपन आप जानते हैं, बपन बपन माने शौर नहीं, एक तो बपन शौर को बोलते हैं, एक बपन बोलते हैं बीज बपन, खेत में जो बीज बोते हैं ना, बीज जो खेत में बोते हैं उसको बपन बोलते हैं, बपन। तो ये बपु है शरीर, कर्म बीजम अस्मिन इति बपु, जिसमें कर्म का बीज बोया जाए उसका नाम बपु। तो इसमें कर्म का बीज मत दो, बिल्कुल लंबा चौड़ा मैदान शिव का क्रीडांगण बना दो इस पशु को। और जब कभी पार्वती जी के साथ उनको गेंद खेलना होए, कभी हॉकी खेलनी होए, है ना, उनके लिए इस शरीर को क्रीडांगण बना दो। नारायण, तो क्या है, इस तरह जो जीवन व्यतीत करता है, जीवे तजो मुक्ति पदे सदाय वास। तीन बात जीवन में आई, देखो आपके ध्यान फिर से बैठा देते हैं। प्रत्येक वस्तु में, क्रिया में, भाव में भगवान की अनुकंपा का दर्शन करो, जो सुख दुख आवे उसमें प्यारे का हाथ समझकर या अपना बनाया समझकर उसका भोग कर लो, लड़ो मत। और हृदय को, वाणी को और शरीर को भगवान के सामने नम्र कर दो, कड़ा मत करो, सख्त मत करो। इस तरह जो जीवन व्यतीत करता है, जीवे तजो मुक्ति पदे सदाय भाग, इस प्रकार जो जीवन व्यतीत करता है वो मुक्ति पदे दाय भाग भवती, वो मुक्ति पद का दाय भागी होता है। इस पे महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा सुना है अलग अलग। दाय भागी शब्द का क्या अर्थ है? श्रीधर स्वामी ने कहा कि जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक हक होता है, चाहे पिता बिल बनावे चाहे न बनावे, पिता की वस्तु पुत्र को मिल ही जाती है। पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र को नौकरी नहीं करनी पड़ती, परिश्रम नहीं करना पड़ता, अन्यत किंचिन नापेक्षते, पुत्र को पिता की संपत्ति प्राप्त करने में केवल पुत्र ही होने भर की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो मुक्ति पदे सत दाय भाग भवती अधिकारी, उत्तराधिकारी नहीं हो, उत्तराधिकारी तो मनुष्य के होते हैं, ईश्वर का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, ये आपको मालूम है कि नहीं। ये गद्दी वद्दी जो होती है ना, कोई आचार्य होते हैं तो इनकी गद्दी के उत्तराधिकारी होते हैं, क्योंकि ये गद्दीदार लोग तो मर जाते हैं ना, तब उत्तराधिकारी की होता है, गद्दीदार लोग तो मर जाते हैं। अब ईश्वर का उत्तराधिकारी माने क्या होगा, तब तो फिर जीव बस इंतजार ही करता रहे, क्योंकि ईश्वर का उत्तराधिकार तो कभी मिलने वाला नहीं, ईश्वर कभी मरेगा ही नहीं, तो उसका उत्तराधिकार जीव को कैसे मिलेगा। बोले नहीं, वहाँ उत्तराधिकार नहीं होता है, वहाँ तो दाय भाग होता है, जो हक ईश्वर को प्राप्त है, समान ईश्वर जो होता है, समान धर्म होता है, समान रूप होता है, समान भोग होता है, अरे ना ना सायुज हो जाता है, अरे ईश्वर से एक हो जाता है, एकत्व हो जाता है, मुक्ति पदे सदाय भाग होते, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल ऐसा जीवन व्यतीत करो, जीवित जो जीवन मात्र ही अपेक्षित है, अगर पुत्र जीवित है तो पिता की संपत्ति उसकी संपत्ति है। मैंने सुना है ऐसा, बाइबिल में भी ये बात कही हुई है, मैं और मेरे पिता एक है, हमको किसी बाइबिल के विद्वान, बल्कि वो जो थे ना गोवर्धन पीठ के पुराने शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, वो जब व्याख्यान देते थे ना तो वो बाइबिल के उद्धरण बहुत देते थे, क्योंकि उनको विलायत विलायत में जाना पड़ता तो वहाँ ये भी बताना पड़ता कि जैसे हम वेद के विद्वान हैं वैसे ही बाइबिल के भी विद्वान हैं। तो बाइबिल में ये बात कही हुई है, मैं और मेरे पिता ये दाय भाग है, दोनों एक है। और मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति का पद जो है उसका वो दाय भाग है, तो मुक्तिया पद देते, मुक्त होने पर जो वस्तु मिलती है, माने बंधन निवर्तक विद्या का उदय हो जाने पर जिस ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार होता है, उस वस्तु का उसको साक्षात्कार हो जाता है। पर प्रेमियों को तो ये पसंद नहीं है, प्रेमियों को तो क्या पसंद है, बोले अमुक्ति यथास्या तथा पदे दाय भाग, तो मुक्ति नहीं चाहिए उसको, मुक्ति माने तो तलाक होता है, बोले भक्ति की भाषा में कैवल्य मुक्ति। जैसे किसी ने कहा अब हम बिल्कुल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप से रहेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि अब वो भगवान के साथ नहीं रहना चाहता, यही ना। तो प्रेम में अपने साथी को छोड़ने का भाव कहाँ से आएगा, तो माने प्रेम में साथी को छोड़ना नहीं है और ज्ञान में साथी को पकड़ना नहीं है, ज्ञान में साथी को पकड़ना नहीं और प्रेम में साथी को छोड़ना नहीं, तो मुक्ति पदे सदाय भाग। अब एक ऐसी बात बताते हैं जहाँ साथी छूटे भी नहीं और ज्ञान भी रहे, ज्ञान भी हो और साथी छूटे भी नहीं, मुक्ति पदे सदाय भाग। अच्छा, अब ये प्रसंग कल्पना,